दोस्तों स्वागत है आप लोगों आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना जो यहाँ पर लॉबी थीम है, ठीक है। तो लॉबी थीम किस तरीके से हम जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर कमेंट किया था, तो मैं उनके कमेंट के ऊपर ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ अपना जो ये वाला लॉबी है, तो मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो जो ये वाला लॉबी है, ठीक है, इसे हम किस तरीके से लॉबी थीम को किस तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीका जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इवेंट वाले सेक्शन पर आना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरा आईडी जो है कुछ दिनों तक लॉगिन नहीं किया था, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न वाला इवेंट दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर इवेंट भी दिखा सकता है, ठीक है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इवेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो कई लोगों के मोबाइल में जो है कई लोगों के डिवाइसेस पे जो है यहाँ पर और भी कई ज़्यादा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इतना दिख रहा है। इसमें कहीं पर भी आप लोगों को लॉबी थीम कलेक्ट करने के लिए नहीं दिखाएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाता मैं आप लोगों को बता देता हूँ उन लोगों का क्यों नहीं दिखाता। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नया फीचर ऐड किया गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर जो आई बटन बना हुआ है देख सकते हो, ठीक है, ये वाला आई बटन। तो ये अगर इस तरीके से ऑफ होगा तो आप लोगों को यहाँ का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे पहले इसे ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर इसे जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा जो है और भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको सिंपली करना क्या है, एक मिनट। तो आप लोगों को करना क्या है, इसे हटा देना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट सेट गो बोल के, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को ये वाला दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए लॉबी थीम जो है यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। तो ये लॉबी थीम हमें किस लिए मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, अपडेट द गेम टू द लेटेस्ट वर्सन, यानी आप जब गेम को अपडेट कर लेते हो तो आपको जो है ये लॉबी थीम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आने के बाद इसे कलेक्ट कर सकते हो अगर आपने गेम को अपडेट किया है। तो आई होप कि दोस्तों आप जो है इसे अपडेट कर चुके होगे, क्योंकि सभी लोग अपडेट कर चुके हैं अब तक। तो अपडेट करने के बाद आप यहाँ से इसे कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के बाद आप इसे नॉर्मली यहाँ पर इन्वेंटरी के अंदर आकर आप अपना यहाँ पर लॉबी थीम यूज कर सकते हो, ठीक है। बस छोटा सा तरीका था, तो मैंने सर कुछ लोगों का ये जो है नहीं जान पा रहे होंगे, उन्हें कुछ इशू हो रहा होगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर सभी को बता देते हैं। जिन लोगों के पास ये वाला लॉबी थीम नहीं है तो किस तरीके से जो है यहाँ पर ये वाला लॉबी थीम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आसान सा तरीका था जिससे आप ये वाला लॉबी थीम को यहाँ पर ले सकते हो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बाकी आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा, और आप लोगों को जो भी डिटेल्स में जानना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, या फिर एक वीडियो के साथ भी आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।